चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप सभी लोग के लेके आया हूं। स्पेशली तो मैं बोलूंगा हर सिंगर के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए सर, कभी भी हम जिंदगी में खुशी का मोमेंट, हैप्पी मोमेंट कब होता है? जब हम हमारा काम से थोड़ा फुर्सत लेके, अथवा जो रिटायर्ड लोग हैं, कई भी है, सीनियर लोग हैं, तो जब हम फैमिली के साथ थोड़ा आउटसाइड जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, थोड़ा ट्रिप में जाते हैं, वो मोमेंट लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। जब टाइम फैमिली के साथ लाइफ थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, कोई बाहर घूमने जाते हैं, तो वो मोमेंट हमारा लाइफ में, सभी का लाइफ में स्पेशल मोमेंट होता है। ये वीडियो का नाम मैं रखा हूँ सिंगिंग ऑन व्हील। इसका मतलब ये नहीं हम कि इस व्हील का ऊपर बैठ के गाना गा रहे हैं, ये नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कहीं पे अगर हम देखिए आजकल क्या होता है, कभी भी हम ट्रैवल करते हैं, इधर वो कार में हो अथवा कोई बस में हो, कोई बड़ा फ्रेंड लोग के साथ ऑफिस का ट्रिप भी जाते हैं, बड़ा बस हो अथवा टीटी हो, ट्रैवलर छोटा वाला कैंटर जैसा हो, नहीं तो अपने कार में भी हमारा सिंगिंग का सहारा लेके हमारा जर्नी को और कैसे बेहतरीन कर सकेंगे, वही मैं आज बताऊंगा आपको। एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा। देखिए, कभी भी हम मान लीजिए हम कार पे जा रहे हैं, तो कार में भी स्पीकर रहता है, हर कार में साउंड सिस्टम स्पीकर रहता है। अगर हम बस में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग ऑफिस का ट्रिप जा रहे हैं, तो बस में भी साउंड सिस्टम स्पीकर रहता है। अगर हम कोई छोटा मोटा कैंटर में जा रहे हैं, उसमें भी रहता है, हर व्हीकल का अंदर एक साउंड सिस्टम रहता है, लेकिन उसमें इको नहीं रहता है और माइक्रोफोन नहीं रहता है। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर हम कभी भी हमारा घर में कोई होम थिएटर सेटअप है और कोई ट्रॉली स्पीकर है, उसको लेके भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रैवल में वो सब कैरी करना हैवी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको सस्ता सुंदर मजबूत एक टेक्निक बताऊंगा, जिसका सहारा लेके आप लोगों ने आपका जर्नी या ट्रैवल जर्नी को और मेमोरेबल कर सकते हैं। लेकिन साहब, एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग खुद ड्राइविंग कर रहे हैं कोई कार में, लेकिन आप बिल्कुल गाना ये सब सुन सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल गाना खुद मत गाइए, क्योंकि हमारा फोकस हमारा ड्राइविंग में रखना है, पहला हमारा जिंदगी साहब, उसके बाद हमको सब कुछ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप मत गाना गाइए। जब आप जहाँ पे रेस्ट लेंगे वहाँ पे आप गाना गा सकते हैं। तो आज मैं ये आपका परिचय बहुत परिचित है, मैं इसके बारे में कम से कम 10 वीडियो बनाया हूँ। ये मिक्सचर, नहीं तो आप V8 साउंड कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको सिंगिंग के लिए हमको एक मिक्सचर चाहिए जिसमें इको रहता है और एक माइक्रोफोन चाहिए जिसका सहारा में हम गाना गाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो आउटपुट निकलेगा वही आउटपुट कार का स्पीकर हो, नहीं तो बस का स्पीकर हो, वो स्पीकर को दे दिया तो ट्रैक प्ले होता रहेगा और हम जब गाना गाएंगे वही आप पूरा स्पीकर में सुनाई देगा, कार में हो नहीं तो बस में हो। मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। पहले अभी इसका सेटिंग बता देता हूं, उसके बाद मेरा कार का अंदर आपको लेके जाऊंगा, उधर ही आपको लाइव गाना गा के कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आज मैं MX मिक्सर का सहारा लेके आपको डिटेल्स बता रहा हूं। आप चाहे तो V8 साउंड कार्ड ले सकते हैं, नहीं तो कहीं भी आपका पास मिक्सर है जिसमें इको है, उसका सहारा में आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं MXR मिक्सर लिया हूं और मैं बेटा का डायनामिक माइक, लेकिन ट्रैवलिंग का टाइम आप आउटसाइड में आप कंडेंसर माइक यूज नहीं कर पाएंगे, मैं डायनामिक माइक यूज कर रहा हूं। और मेरे को 2 ऑक्स केबल चाहिए, देखिए ये जो RCA to X केबल है ना, 2 चाहिए, क्योंकि एक हमको कारों की प्ले करना पड़ेगा मिक्सर से, और एक मिक्सर से आउटपुट लेके कार या बस में जो स्पीकर है उसको आउटपुट देना है। तो इतना ही चाहिए, और हमें एक चार्जर चाहिए। चार्जर यहाँ इसीलिए चाहिए जो नॉर्मली चार्जर, क्योंकि ये मिक्सर के साथ जो चार्जर आता है ये शायद बस में कभी कभी बस में ये नहीं रहता है, स्विच बोर्ड नहीं रहता है, कई बस में रहता है, अगर नहीं है तो
हम क्या करेंगे, ये मोबाइल का चार्जर का थ्रू में इसको हटा देंगे, इसका थ्रू में, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको पावर चाहिए, इसमें तो इनबिल्ट बैटरी नहीं रहता है, तो इसको हम पावर कनेक्शन दे देंगे और इसको सेटिंग कर देंगे, करके हम लाइव गाना गाएंगे। मैं अभी आपको मेरा कार का अंदर लेके जाऊंगा, पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट करके आप क्लोजअप में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं मेरा कार का अंदर लेके जाऊंगा और उसका अंदर मैं आपको लाइव गाना गा के आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा साहब, आप देखिए और आपका सिंगिंग जर्नी को और बेहतरीन और मेमोरेबल और जॉयफुल कीजिए। तो चलते हैं, मैं इसको फटाफट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सर के साथ मैं जैसे बोला हमको दो ऑक्स केबल चाहिए, ऐसे देखिए RCA 2 3.5 mm का दो ऑक्स केबल चाहिए, क्योंकि एक ऑक्स केबल में हम कराओके प्ले करेंगे, जिसमें हम कराओके प्ले करेंगे इसमें मैं नीचे लगा देता हूँ और ये पिन को हमारा मोबाइल में कराओके प्ले करेंगे। और एक ऑक्स केबल मैं लिया हूँ, इसको ऊपर लगा दूंगा, यही ऑक्स केबल से आउटपुट लेके हम क्या करेंगे, ये 3.5 mm को हमको कार, अगर कार में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कार का जो स्पीकर लगाया हुआ रहता है इनबिल्ट, उसमें ही लगा देंगे ऑक्स में, बस में है तो भी ये हम बस में लगा सकते हैं। और मैं वेटा का V8 साउंड कार्ड मेरा नहीं, वेटा का डायनामिक माइक मेरा पास है, तो अभी मैं अकेले गा के दिखाऊंगा, तो अकेले लेता हूँ। आओ, आपका कोई पार्टनर है गाने के लिए तो आप दो माइक ले लीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वेटा का माइक के साथ जो केबल आता है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही सेटअप पूरा मैं कार का अंदर लेके जाऊंगा, उधर ही आपको गाना गा के दिखा दूंगा। ये डायनामिक माइक लगा दिया और ये आपको क्या करेंगे, ये जो मिक्सर में इधर ही लगा देता, हो गया लगा दिया। तो अगर आपके पास दो लोग गाना है तो और एक माइक इधर लगा दीजिए। और यहाँ इसको इसको ये मिक्सर के लिए इनबिल्ट पावर नहीं रहता है, इसको हमको पावर कनेक्शन देना पड़ेगा। मैं क्या किया, जो मोबाइल का चार्जर है इसमें से ये अडाप्टर हटा दिया, सिर्फ केबल लिया हूँ, इसको क्या करूँगा USB के, हर कार में मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, कार चाहे बस चाहे कोई TT में जा रहे हैं तो अगर बस में इसको डालने का ऑप्शन है तो ये डायरेक्ट आप चार्जर डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो स्विच बोर्ड का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये USB इसका अडाप्टर निकाल दीजिए और USB चार्जिंग पॉइंट हर कार में अथवा बस में मिलता है। तो इसको मैं क्या किया, यहाँ पे चार्जर वाला ऑप्शन में लगा दिया और इसको क्या करूँगा बस में, नहीं सॉरी, मेरा कार का अंदर जो पावर चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है उसमें लगा दूंगा, तो इसको पावर कनेक्शन मिल जाएगा। एक वायर में जो नीचे वाला ऑक्स केबल में मैं कार की प्ले करूँगा, ऊपर वाला ऑक्स को क्या करूँगा, इसको लेके कार का स्पीकर में साउंड सिस्टम रहता है उसका अंदर इसको डाल दूंगा। तो अभी हम गाना गाएंगे, गाना क्या होगा, पूरा हमारा कराओके के साथ लाइव में रिकॉर्ड करके मेरा कार का अंदर चलते हैं। चलिए मेरा कार का अंदर अभी आपको लाइव गाना गा के आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम अभी कार का अंदर है, ये हमारा जूनियर RK रिशांत भी मेरा साथ है, रो रहा है, साउंड नॉइज क्रिएट करने के लिए आ गया, डिस्टर्ब करने के लिए, बुरा मत मानिएगा। तो अभी क्या करूंगा, देखिए पहले इसको मिक्सर को पावर कनेक्शन दूंगा। तो पावर कनेक्शन देने के लिए मैं कार का अंदर जो हम चार्जिंग पावर डालते हैं ना मोबाइल चार्जर, उसमें ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको लगा के यहाँ पे मैं चार्जिंग में डाल देता हूँ, डाल दिया। तो अभी हम इसको देखिए, हम मिक्सर को अभी ऑन करेंगे, मिक्सर अभी काम कर रहा है, अभी पावर ऑन हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो मिक्सर का जो दो ऑक्स केबल में बताया था, एक ऑक्स केबल से एक को मैं मोबाइल पे कनेक्ट करूंगा, जो जिसमें कराओके प्ले करेंगे जी, जो ऑक्स केबल कराओके प्ले करेंगे ई ऑक्स केबल से, तो इसको मैं मोबाइल से कराओके प्ले करूंगा, ये वाला छोटा वाला मोबाइल से। और एक ऑक्स केबल जो है मैं क्या करूंगा, इसको और एक जो ऑक्स केबल हम हमारा कार का स्पीकर में लगा दूंगा। अभी देखिए कार का स्पीकर में लगा देता हूँ, तो लगा दिया। तो वहां पे क्या करूंगा, मोड पे ऑक्स लगा दूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ऑक्स लगा दिया, ठीक है। तो अभी मैं लाइव रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, अभी वॉल्यूम देखा था, हेलो हेलो हेलो
हेलो चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3। देखिए सिंगिंग ऑन व्हील, तो मैं कार का अंदर ये कितना अच्छा खासा काम कर रहा है साहब। देखिए ये काम कर रहा है। अभी 2 लाइन आपके लिए कारकी के साथ भी गा लेता हूँ। कारकी इसी मोबाइल से मैं प्ले करूंगा। देखिए ये सब कुछ हमारे पास रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता ना, हमको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं रहता है उसको सही ढंग से कैसे यूज करेंगे। अगर इसको ये मिक्सर है ना, इतना छोटा है, जो आगे बैठता है गोद में भी लेके बैठ सकता है। तो इसलिए मैं बोला अगर कोई ट्रॉली स्पीकर इसमें लेंगे तो इतना बड़ा स्पीकर इसमें कैरी करना मुश्किल होता है। तो अभी मैं 2 लाइन आपके लिए गा लेता हूँ। कोई भी एक गाना गाता हूँ, ओपन हो जाएगा मोबाइल से। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। तो फ्रेंड्स इतना ही, क्योंकि पूरा गाना रिकॉर्ड करूंगा तो आपको समझ में आ गया, तो ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि पूरा गाना फिर गाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कॉपीराइट्स भी आ जाएगा। तो 2 लाइन आपको दिखा दिया, तो चलिए आपका म्यूजिकल लाइफ को और बेहतरीन का अंदर बेहतरीन के साथ एंजॉय कीजिए। तो इसको सभी लोग हम बोलेंगे सिंगिंग ऑन द व्हील्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपका सिंगिंग जर्नी को बहुत मदद करेगा, और आप हर पल आपका फैमिली के साथ हो और आपका फ्रेंड का साथ हो, नहीं तो आपका ऑफिस स्टाफ के साथ हो, अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ये जो सिंगिंग का टैलेंट में भी दिखा के सबका दिल जीत सकते हैं। तो मिलेंगे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।